नमस्कार जी, जे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अधिन्यास कार्य विधि को देखेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा पीजीटी शिक्षा शास्त्र तथा पीजीटी मनोविज्ञान, बीएड और एमएड में पूछी जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले विचार देख लेते हैं आज का। सफल वही है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। विचार के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन था, कार्यक्रम अनुदेशन विधि का उपयोग किस स्तर पर होता है? तो इसका उत्तर है, कार्यक्रम अनुदेशन विधि का उपयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। यह अधिन्यास कार्य विधि, इसको असाइनमेंट मेथड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को पाठ पढ़ाने के बाद उसके अन्य खंडों से में विभाजित कर दिया जाता है और उसमें से उसे काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि बच्चों से कह दिया जाता है कि बच्चों आज आपने ये पार्ट पढ़ाया तो इसमें से आप ये चीज़ करके लाएंगे या इसमें से इसकी लिस्ट बनाकर लाएंगे। तो घरेलू स्तर पे बच्चों को करना होता है ये काम और विद्यालय स्तर पर कई बार टीचर क्लास में भी कह देते हैं कि अब मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है, अब इसमें से आप मुझे ये काम करके दिखाइए। ये मैथ्स में जो है ये विधि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैथ्स की ट्रिक्स जो है, बच्चों को जो मैथ्स के सॉल्यूशन सिखाए जाते हैं, फॉर्मूला सिखाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों से जो सम्स कराए जाते हैं उसमें इस विधि का यूज किया जा सकता है। इसके गुण, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, समस्या समाधान क्षमता और विश्लेषण का की क्षमता बढ़ती है, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, स्वाध्याय के प्रति बच्चा रुचि लेता है, उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है, प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए महत्वपूर्ण विधि है। दोष क्या क्या है? कई बार बच्चा है अपने अनुकृति का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी करने की जो संभावना होती है उसमें बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे को घर से काम करने के लिए दिया जाता है तो वो बुक में से वैसे का वैसे ही उतार देता है। छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों को समस्या समाधान वाले सवाल जो है कम दिए जाते हैं, उनको केवल कॉपी करने का काम ही दिया जाता है। शिक्षक तथा छात्रों पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, बच्चों के लिए भी काम बढ़ जाता है और टीचर्स के लिए भी। कैसे? जब बच्चों को घर के लिए काम मिलता है, बच्चों ने क्लास में जो काम किया वो घर के लिए मिलता है तो हर सब्जेक्ट में मिलता है, तो असाइनमेंट्स जो हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चों का काम बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा असाइनमेंट हो जाते हैं तो चेक करने में टीचर्स का काम बढ़ जाता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है इसका, लेकिन चलिए डाल दिया था। यहाँ हमारी असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट होती है। अधिन्यास कार्य विधि जिसको कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अधिन्यास कार्य विधि को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एक नाम मैंने आपको बताई दिया है, असाइनमेंट मेथड। अब आपको इसका आंसर बताना है। सर्वेक्षण विधि, गृह कार्य विधि, मौखिक विधि या व्याख्यान विधि, किस नाम से इसे पुकारा जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।